हेलो राम राम साहब, जय विद्या जी किया हूँ आप सब। तो स्वागत है आप सब लोग हमारे नए व्लॉग पर। तो जी कि मैं इंस्टा पर पोस्ट करी हो कि टॉप 10 क्वेश्चन का जवाब मैं अपने व्लॉग्स में दूंगी। तो आज की थोड़ा सा बड़ा तेल तूल लगाड़ो है, तो फिर भी कोई बात को नहीं। आपने मैं कल डॉक्टर कन गई, जिन डॉक्टर मन यहाँ क्यों आपकी ब्यूटी आपकी सिंप्लिसिटी में है। तो हमारी ब्यूटी वाई सिंप्लिसिटी में मैं जिया हूँ। मैं अभी यही ब्लॉग बनाने स्टार्ट कर दी क्योंकि टाइम को नहीं हुआ है कि प्रॉपर रेडी हूँ ब्लॉग बनाऊँ, और नहीं हमारी हिम्मत मतलब आर सी वो तू मैं। तो मैं पोस्ट करी कि टॉप 10 क्वेश्चन को जवाब मैं दे सूँ ब्लॉग में। तो मैं कल एक ब्लॉग बनायो भी हो बट ध्यान को नहीं क्यों, मैं थोड़ा सा सही होने लगे जनी वास्ते मैं वापस वो ब्लॉग बना सी हूँ। मतलब वो कल मम्मी से आगे बनायो मैं, लेकिन थोड़ा सा किया कि कुछ चीज़ें रिवील नहीं करनी है जो कि हो चुकी भी मैं ये वास्ते मैं वो ब्लॉग है जो को पोस्ट को नहीं करी हूँ। इन वास्ते मैं आज भी ही वापस सेम क्वेश्चन दोबारा लिख मतलब लिख बोलूँ यार के बोल रही हूँ मैं सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर आपने वाला आंसर दे सूँ। तो स्टार्ट कर आप। हाँ, पहला क्वेश्चन है सब ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन वो है कि आपकी शादी कब है। मतलब 700-800 क्वेश्चन आया अभी माऊँ, 500 क्वेश्चन सिर्फ ये आया हाँ कि आपकी शादी कब है। तो आ चीज़ मैं ब्लॉगर एकदम लास्ट में बता सूँ कि हमारी शादी कब है। अगर थाने जानना है कि हमारी शादी कब है इन वास्ते थाने पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो ब्लॉग पर बने रहो। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो को शायद आज तक कोई ने ध्यान को नहीं उसी हमारे बारे में। तो पहला क्वेश्चन है मन्नू सोनी 444 मन्नू भैया पूछा है मैंने कि अपने लाइफ की कोई ऐसी घटना बताइए जो आप चाहते हो फिर से घटे। तो इसी कोई घटना को नहीं हमारे लाइफ की जो मैं चाहूँ वापस घटे, क्योंकि मतलब घटना मतलब वापस घटे भी पापा में कोई घटना होती होती इसी अच्छी तरह रूपांतरित हो जाओ पापा चाहो वापस घटे तो इसको कुछ को नहीं हो कभी। और एक दो घटना हुई महारसा के, ज़्यादा घटना घटित भी को नहीं हुई, एक दो ही हुई, लेकिन मैं कौन चाहूँ मैं वापस घटे महारसा के। तो इसी कोई घटना को नहीं जो मैं चाहूँ वापस घटे। और के क्वेश्चंस लिया मैं कल। हाँ, एक क्वेश्चन पूछो राधे शर्मा जी कि आप किस से इंस्पायर हुए हो और बाद में आप इंस्टाग्राम पर वीडियो या रील्स बनाने लगी हो। तो इससे कुछ करने के मैं कोई इंस्पायर हूँ मैं रील्स बनाने लगी, मैं बता दूँ आप सबने कि मन ने शॉर्ट वीडियोज़ या फिर वीडियोज़ या फिर सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद को नहीं एक टाइम में। मतलब मन आप बहुत यहाँ लाग तो क्या है क्या करते हो तुम लोग ये वो, लेकिन एक चैलेंज के चक्कर में देखो छिपकली चैलेंज के चक्कर में मैं शुरुआत करी वीडियोज़ की। वो कुछ टिकटॉक कुछ पे लो कुछ अलग वर्जन हो ना नाम याद को नहीं आ रही हो भी मैं स्टार्टिंग करी ही वीडियोस की। और भी बाद में टिकटॉक चैलेंज के चक्कर में कोई मैंने चैलेंज करी अभी के चक्कर में भी बाद में टिकटॉक पर एक प्यार मिलो आप सब रो एक वो बोले नहीं एक परिवार बने हो जन अच्छा लगे इन वास्ते मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करी। आप टिकटॉक गए हो पच रील्स आई जन आप यहीं पर आ गया और इससे कुछ को नहीं। और हाँ एक क्वेश्चन वो बहुत लोग मैंने बहुत बार पूछा आप की तो को नहीं हो लेकिन टिकटॉक जब बंद हुआ था तब आपका क्या रिएक्शन था। तो जब टिकटॉक बंद हुआ था तब मेरा वैसा कोई रिएक्शन नहीं था मतलब हाँ तो जब टिकटॉक बंद हुआ था तब मेरा वैसा कोई रिएक्शन नहीं था। मतलब यहाँ हो के एक चीज़ बंद हुई तो दूसरी स्टार्ट हो सी हो मन में भरोसा हो के कि ये तो वो बंद हुई है तो मतलब कोई ज़िंदगी थोड़ी रुक रही है। और टिकटॉक या फिर वीडियोज ही कोई आपने ज़िंदगी थोड़ी है आ सब बारे भी एक अलग दुनिया है हमारी भी मैं भेजियाँ हाँ यह को नहीं कि सिर्फ वीडियोज़ ही बनावा हाँ या वही काम है ना इनके अलावा भी एक पूरी सेपरेट दुनिया है हमारी। तो उससे कुछ करने के टिकटॉक बंद हो जन में रोई वगैरह आए हैं मारो कोई रिएक्शन को नहीं टिकटॉक बंद हो गयो। और हाँ मन यहाँ हो के एक चीज़ बंद हुई तो दूसरी स्टार्ट हो सी और हुई रील्स आयो इनमें टिकटॉक को ज़्यादा फ़ायदा हो रही है हमारे। हालांकि इतनी फैन फॉलोइंग को नहीं इतनी बड़ी फैमिली को नहीं लेकिन फ़ायदो इंस्टा पर ज़्यादा हो रहा है। एक क्वेश्चन आयो है पार्थ पारिक जी को कि चबी गर्ल्स गोल मटो लड़कियाँ इतनी क्यूट दिखती हैं आपकी तरह तो फिर क्यों ये लड़कियाँ पतली होने पे मरती हैं। तो भाई मन ध्यान को नहीं क्योंकि मारवास तो कुछ मैटर कौन करे पतलो मोटो। अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब इंसान को व्यवहार बिहेवियर के हिसाब आप सामने इंसान बात कर रहे हाँ आप बडन के सम्मान दे रहे हाँ वो जी की चीज़ नहीं बहुत ज़्यादा मैटर करें ना कि पतलो होनो
मोटो होनो, सुंदर होनो, असुंदर होनो, ये सब कुछ को नहीं हुआ। आपने जो को व्यवहार है वो आपन सुंदर बना गए। तो अगर आप सब सागे एकदम अच्छी तरह का व्यवहार, मतलब अच्छा व्यवहार सागे रेवा, अच्छे तरीका हो रेवा, सब सागे प्यार हो रेवा, सम्मान देवा सबने, तो चाहे आप मोटा हाँ पतला हाँ बा अपने वास्ते कोई मैटर कौन करे। और हमारे वास्ते तो स्पेशली मन कदी ये आँखों नहीं कि मैं पतली हूँ, मैं मोटी हूँ, कि मैं पतली उज्जूँ, हाँ ना ना, हमारे वास्ते ऐसा कुछ को नहीं। हमारे वास्ते वो मैटर करे कि हमारे वास्ते जका माँ जाने है, जका माँ बात करे भी के फील करे कि भाई मतलब संस्कार की साख है, व्यवहार की सोख है, बात चीज़ हमारे वास्ते ज़्यादा मैटर करे। और देखो क्यूट टून की बात है तो पतली भी क्यूट दिखा, मोटी भी क्यूट दिखा, या आप कोई ना कोई बोल सका कि थाने पतलो ही होनो ज़रूरी है या मोटो ही होनो ज़रूरी है। आप आपकी इच्छा है कोई ने पतलो होनो, आपको फिगर मेंटेन करना चला गया तो पतलो हुओ, बे माऊ तो कोनी वे, माऊ तो खाए पिए बिना कोनी रही छे, सीधी बात है। हाँ एक क्वेश्चन आया है नेपाल सिंह तनवर 777 आईडिया भैयारी, ये पूछा है कि शादी के बाद आप जीजू सा के साथ वीडियो बनाओगे क्या? तो भाई जी कोई फिक्स को नहीं बता सकूं कि मैं वीडियो बना सी हूँ को नहीं बना सी हूँ, क्योंकि अन्य थोड़ा सोशल मीडिया कम पसंद है, मतलब जो आपकी जीजू सा हैं उनको सोशल मीडिया थोड़ी सी कम पसंद है। लाइक एक वह थाने वीडियो बनाना थे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं को नहीं बनाऊँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँ तो शायद एक दो वीडियोज़ में आ जावे, लेकिन यहाँ को नहीं कि मैं सारा कपल वीडियोज़ ही बना सी हूँ या पूरी आईडी में कपल वीडियोज़ ही रेसी, नहीं। मैं जी अब वीडियो बनाऊँ अगर परमिशन दी सास रहा, अभी तक तो परमिशन है, अगर देखो अगर इकाई हुआ आप पहली कमिटमेंट को कर सकता कुछ भी, तो अगर परमिशन दी तो मैं अगर बीबियाँ ही वीडियोज़ बना सूँ या को नहीं कि मैं सारा कपल वीडियोज़ ही आसी। बाकी देखो आके काई हुआ अगला बनावे नहीं बनावे वो तो जाए बात ध्यान पर सी। एक भाई साहब है अनूप चंद डूडी जी, ये पूछा है कि भाई साहब क्या करते हैं और वो कहाँ से हैं? तो भाई जी कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ये सब देखो नेम, मतलब हिंदी में अगर बोलूँ तो ना आपको जानना ज़रूरी है और ना मुझे बताना, मतलब कि पर्सनल लाइफ ना आप पर्सनल रखा वो ज़्यादा बेटर है। और थे मन जानो मैं थान जानो, ये तो बहुत है नहीं बे काई करे काई नहीं करे, और हमारे घर का काई करे काई नहीं करे, बिंग काई जरूरत है अपन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की। मेन क्वेश्चन तो यही है कि आप इतने क्यूट कैसे हो, आप कहाँ से हो, क्या हो, अच्छे लग रहे हो, आप कद मिल से हाँ जरूर भगवान से तो आप जरूर मिल से एक दिन। एक क्वेश्चन है बलवीर जीरो बलवी 2118 हमारी आई डी है, भैया बोले है कि मनीषा बहन आप खुद बिजनेस वुमेन हो क्या, उड़ीसा में आपकी शॉप है? मेरी कोई शॉप वॉप नहीं है, मेरे पापा की शॉप है, मतलब पापा बिजनेसमैन है, मैं कोई बिजनेस नहीं करती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और पापा भाई ये सब बिजनेसमैन है और कपड़े की शॉप है, इतना काफ़ी है बताना। और एक जीजी पूछा है देवासी क्वीन के जीजू को वीडियो बनाना पसंद है, यानी इनको जवाब मैं दे चुकी हूँ, जीजू को वीडियो बनाना पसंद नहीं है, मतलब वो बोलते हैं कि मैं खुद नहीं बनाऊंगा, तुमको बनाना है तुम बनाओ। एक भैया है जयंती कुमार पटेल, ये पूछा दुनिया में सबसे खुश नसीब इंसान कौन है? दुनिया में सबसे खुश नसीब इंसान मेरे अगर मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको बताऊं तो दुनिया में सबसे खुश नसीब इंसान वो है जिसकी फैमिली जो है, जिसका परिवार जो है वो एक है, मतलब जॉइंट फैमिली है, क्योंकि मुझे पर्सनली जॉइंट फैमिलीज बहुत पसंद है, क्योंकि वो जो प्यार है ना वो सेपरेट फैमिलीज में, मतलब जैसे कि जो अलग अलग रहते हैं उनमें नहीं मिलता। तो जिनका परिवार एक है, जिनका परिवार स्वस्थ है और जो हमेशा मतलब फैमिली में हंसी खुशी से रहते हैं, वो दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान है, ना कि वो कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है। देखो पैसे से ना हर चीज़ नहीं होती है, तो परिवार के बिना पैसा वैसा मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। बाकी देखो सबका अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि आपके हिसाब से कुछ और होगा, किसी और थर्ड पर्सन को पूछोगे तो उसके हिसाब से कुछ होगा। मेरे हिसाब से ये है कि अगर हमारा परिवार खुश है तो हमसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान कोई नहीं, और अगर हमारी वजह से हमारा परिवार खुश है तो सबसे बेस्ट है, और चाहिए क्या। और कटा
आपका ससुराल कहाँ पर है और भाई जी है बट है कहीं करना। हाँ तो एक क्वेश्चन आया द स्ट्रेंजर मैन 001 बैंक की आईडी है बे भैया यहाँ बोलिया है कि क्या गोरे गोरे गालों से ही ब्यूटीफुल दिखा जा सकता है, काले गालों वाले नहीं। तो एक सेकेंड, रिंग लाइट चालू है, रिंग लाइट बंद कर दी, इफेक्ट गालियोड़ो है जैन मैं गोरी दिख रही हूँ, बाकी रिंग लाइट भी देख लो तो फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि गोरे काले, हर रंग में अपनी सुंदरता है। गोरा जगह है बेबी सुंदर है, जगह काला है बेबी सुंदर है, हर एक रंग में आप आपकी अलग अलग सुंदरता है। कृष्ण जी काला हा मतलब सांवला हा तो बेबी सुंदर हा, राम जी गोरा हा तो बेबी सुंदर हा, मैं तो भाई खुद ही सांवली हूँ, मैं गोरी को नहीं तो मैं यहाँ कौन बोलूँगा गोरे वाले सुंदर दिखते हैं काले सुंदर नहीं दिखते। तो हर एक रंग में सुंदरता है, मैंने पहले भी कहा है कि अपने व्यवहार में सुंदरता है तो अपना रंग अपना फिगर कुछ मैटर नहीं करता। और ममता विजय ब्लॉग्स ये बहुत अच्छा ब्लॉग्स बना हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पूछा है कि आपके स्मार्टनेस का राज बताएं। तो मारे साहब हूँ तो मैं इतनी स्मार्ट को नहीं, लेकिन अगर थे बोल रहे हो मैं स्मार्ट हूँ मतलब इनडायरेक्टली तो थैंक यू सो मच। और राज 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 ये सब कुछ राज को नहीं, बस ये है कि हमेशा खुलर जिया हाँ आपकी ज़िंदगी जिना शायद यहाँ था लाग रही हो सी, बाकी सब कुछ को नहीं कि स्मार्टनेस का राज वगैरह। बिग फैन मनीषा जी थैंक यू। हाँ एक क्वेश्चन हो आया है सिद्ध आकाश 36 अंक आइडिया है भैया, मैंने यहाँ पूछा है कि आप श्री डूंगरगढ़ से हो फिर आपने कभी वीडियोस में नाम तक नहीं लिया, तो इसको कुछ को नहीं भाई जी, मैं बहुत बार वीडियोस में नाम लियो है श्री डूंगरगढ़ रो, और एक प्रॉपर सेपरेट गानों भी है श्री डूंगरगढ़ के ऊपर, तो थे हमारा थोड़ा सा पहले वाला वीडियोस देखो क्योंकि अब मैं ऑन वॉइस पर वीडियोस ही बहुत कम बनाऊँ, ये बात शायद थन लाग रही है, बाकी इसको कुछ को नहीं। मेरे को आपने आज तक सवाल का रिप्लाई नहीं किया, तो भाई जी कहीं बताऊँ थे आज तक उसको कोई सवाल ही को नहीं पूछो सी मैं रिप्लाई कर सकूँ, या क्योंकि बहुत सारा यहाँ क्वेश्चन आवे जाकर कोई मतलब ही को नहीं। एक क्वेश्चन है कि शादी होने वाली है तो आपको कैसा लग रहा, आप कितने एक्साइटेड हो, तो पूछो है रामनिवास टाडा जी। तो भाई साहब कहीं बताऊँ एक्साइटमेंट वालों तो सीन को नहीं, थोड़ा सो नर्वसनेस ज़्यादा है, एक घर छोड़ दूसरे घर जानो, सब मतलब ई फैमिली वास्ते पर आयो होनो, बी फैमिली आपको माननो वन अपना नो, कल कोई गलती होगी कोई कुछ बोल दियो तो, और मन में हज़ार सवाल है, हर एक छोरी रह हुए कोई मारी या को नहीं कि सिर्फ मारी है, तो वो एक है बाकी सो एक्साइटमेंट आड़ो सीन अभी तक तो को नहीं। नर्वसनेस अगर आप पूछो तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। और क्या पूछूँ, और क्या हो गया सवाल कितना हो गया, मैं तो गिने ही बंदा सुया को नहीं है वो ध्यान को नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम स्क्रीनशॉट्स लिया सारा का, मैं ले भी कौन पाई क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि कैसे और क्या करते हो और कहाँ और क्या नहीं और के जवाब दे पाऊँगा। एक क्वेश्चन हो भी आयो भी मैं कम स्क्रीनशॉट को नहीं कि आपके पास फ़ोन कौन सा है, तो वो भी मैं तुम बता दूँ कि अबार हमारे बर्थडे पर माने हमारे सास सराला आईफोन 13 प्रो मैक्स गिफ्ट करे हैं, तो फिलहाल तो वो है और एक है ओ रेडमी नोट 8 प्रो, तो दो फ़ोन है रेडमी नोट 8 प्रो और जगह हमारा वीडियो शूट हो रही है आईफोन 13 प्रो मैक्स, ये दो फ़ोन है हमारे कने। और एक हाँ लोग बहुत बार पूछे कि आप किस फ़ोन से वीडियोज़ बनाते हो, तो देखो मैं इतना दिन ई फोनों ही वीडियो बनाती रेडमी नोट 8 प्रो हूँ, तो मानी अलग को नहीं कि वीडियोस वास्ते अपने घर आईफोन होनो ही ज़रूरी है या रेडमी गन बना सका या और सब, अगर अपना में कुछ है टैलेंट है तो आप हर एक चीज़ में भी नहीं यूज़ कर सका, या को नहीं आप सिर्फ आईफोन हुए तो ही हुआ या रेडमी हुए तो ही हुआ, तो इसको कुछ को नहीं। और आपने 150 की मतलब कि 150,000 की फैमिली बना ली इंस्टाग्राम पर, तो इन वास्ते भी था सब ने बहुत 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 थैंक यू, और जल्द से जल्द 150,000 की फैमिली हो जैसी, तो आपको प्यार यहीं बनाए रखो। और छोटी बहन हूँ कोई गलती होगी तो माफ़ कर दिया, और कोई क्वेश्चन अगर कोई मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर रे क्यों है तो इन वास्ते भी माफ़ कर दिया। और हाँ मेन क्वेश्चन कि आपकी शादी कब है, इतना एक्साइटेड तो हमारे घर का ही कौन नहीं जीता थे लोग शादी वास्ते, शादी कब है हमें बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, देखो बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे वो तो हमारा हाथ में को नहीं, मन तो खुद ने घर का बुला ले मतलब मैं तो खुद घर का सा गूँ, तो वे तो भैया पर और पापा पर है तो वैसे कुछ को नहीं। और शादी है 8 दिसंबर की,
8 दिसंबर ने हमारी शादी है, आज मैं बता दी फाइनली, अब और कोई मत पूछो। 8 दिसंबर की शादी है और कोशिश कर चाहे लाइव स्ट्रीमिंग हो सके, आप सब देख सको, बाकी देखो कहीं हुए कहीं नहीं टाइम बतावे। तो आज ये व्लॉग ना पार्टी ख़त्म करा, मिलना नेक्स्ट व्लॉग पर। मतलब एक्चुअली हुआ है कि मैं एडिट करना माड़े सावे, मतलब मैं व्लॉग तो बना लूँ लेकिन एडिट कौन करे, तो लफड़ो कौन करे, इन वास्ते मेरे को छोड़ो नहीं। लेकिन मैं ट्राई कर सूँ कि जल्द ही आपने एक नया व्लॉग मिले। और एक बात, मैंने नहीं मतलब यहाँ व्लॉग्स बनाना पसंद को नहीं, उठी हूँ खाए हूँ पी हूँ सूगी अट गई बट गई ना, कुछ इन्फॉर्मेशनल हुए मतलब कटी मैं इस जिया गई हूँ लुगन बाजियाँ बतानी हुए या और, तो बहुत थोड़ा शौक मतलब बनावा तो ये अच्छा लगे। मैं आई खाई सोई उठी आज घर ओ बनाई और वो बनाई और ना, वो कोई मतलब को नहीं। हाँ, या फिर मैं कुकिंग कर रही हूँ कोई ऐसी चीज़ बना रही हूँ तो भी वो ब्लॉग्स मैं अपलोड कर सकूँ, बात चीज़ अलग है। लेकिन मन लगा को नहीं मैं सब कशूँ क्योंकि मैं तो अट तो बिल्कुल ही काम कौन करूँ, 7,000 तो खैर करना ही है, वो सब चढ़िया करें लेकिन अट तो तो देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जगह है वहाँ को घर है कटक में। तो नेक्स्ट ब्लॉग मैं बिंग को लेन को सोच रही हूँ, फाइनल को नहीं है कुछ भी हो सके, तो बाद में यहाँ नहीं कहते तो वो बोलिया नहीं, तो वो ब्लॉग मैं अभी ख़त्म करूँ, बहुत बोली अब मन जाना कॉलेज लेट हो रही है। तो थैंक यू, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर करिया, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया हो तो चैनल ने जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू।